तो नमस्कार दोस्तों, मेरे पास 100 रुपये थे और खर्च इतने हो गए, बचत कितने हो गए, ये आप लोगों को काफ़ी डाउट हो रहा होगा क्योंकि इस प्रकार के कुछ वीडियो भी वायरल हो रहे हैं जिसका आंसर आप लोग नहीं दे पा रहे। लेकिन आज के बाद अगर आप लोगों के पास ये वीडियो पहुंचा तो तुरंत उसमें आप कमेंट कर पाओगे या फिर कोई क्वेश्चन पूछा तो आप उसका जवाब दे पाओगे। बहुत ही आसान है दोस्तों, तो चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए, हमारे पास 100 रुपये थे और उसमें से मैंने खर्च कितने किए और बचत कितने हुए, तो चलिए हम पहले इनको जोड़ लेते हैं फिर आपको बताते हैं कि क्या इनमें प्रॉब्लम है। तो चलिए, चार इसमें 0 0 8 2 कितना हो जाएगा, 0 यानी 10 को 0 हो जाएगा, एक हासिल 4 3 7 8 9 और 9 एक हासिल था 10, यानी हमारे पास कितना हो गया 100 रुपये। अब देखिए, हमने ये तो खर्च किया, देखिए 40 रुपये हमने खर्च किया 100 में से, तो 60 रुपये बचा था। फिर 60 में से हमने 30 रुपये खर्च किया, 30 रुपये बचा, 30 रुपये में से 18 खर्च किया, 12 बचा, 12 को हमने खर्च कर दिया, 1 रुपये नहीं बचा। तो चलिए अब इसको भी जोड़ लेते हैं, यहाँ पर हो जाएगा 2 6 3 9 और 1 10, यानी देखिए 102 रुपये हमारे पास बच रहे हैं। अब इसमें क्या है, देखिए हमारे पास 100 रुपये था, फिर हमारे पास 100 रुपये था तो 102 रुपये कहाँ से इसमें बच रहे थे, अब इसका तो हमें जवाब निकालना पड़ेगा ना। तो इसमें देखिए, एक चीज़ इसमें होता है कि आप जब किसी पैसे हो या फिर किसी प्रकार का भी जैसे कोई नाप ले रहे हैं तो आप उनका खर्च किया हुआ और बचत का कोई भी कंपेरिजन आप नहीं कर सकते क्योंकि अलग अलग होता है। जैसे कि एक और आप लोगों को एग्जाम्पल दिखा देता हूँ, जैसे मान लीजिए आप लोगों के पास 20 रुपये है और इसमें से आपने खर्च किया, देखिए ये आपका खर्च हो गया और ये आपका बचत हो गया। देखिए खर्च 20 रुपये में से आपने 10 रुपये पहले खर्च किया, फिर आपके पास कितना बचा 10 रुपये, ठीक है। फिर उसके बाद आपने 4 रुपये का कुछ खर्च कर दिया, कितना बचा 6 रुपये, फिर 3 रुपये खर्च कर दिया, फिर आपके पास 3 रुपये बचा, और फिर उसके बाद आपने ये भी 3 रुपये खर्च कर दिया तो आपके पास 0 रुपये बचा। अब जोड़ लीजिए इनको, 10 4 14 और 6 20 रुपये आपका खर्च हो गया, ठीक है। 20 रुपये तो था ही आपके पास, 20 रुपये खर्च हो गया। अब इसके बाद इनको जो बचत पैसा है उनको आप देख लीजिए कितना है, तो 10 6 16 और 3 19, 1 रुपये कहाँ गया भाई, है ना। तो इसमें आप कोई भी कंपैरिजन नहीं कर सकते। जैसे एक और ले लीजिए क्वेश्चन यहाँ पे, जैसे नाप का है, मान लीजिए आपके पास 10 मीटर का कोई वायर है और आपने इसको नाप ले लिया, जैसे कि मान लीजिए पहले यहाँ पे 5 मीटर आपने उसमें से यूज कर दिया तो आपके पास कितना बचा 5 मीटर, फिर आपने 3 मीटर यूज कर दिया बचा 2 मीटर, फिर ये भी 2 मीटर यूज कर दिया, एक भी आपके पास नहीं बचा। अब इनको जोड़ लीजिए, 5 2 7 और ये कितना हो गया, 5 3 8 और 2 10, ये आपका तो पूरा पूरा रहा है, फिर इसमें बचत कैसे 7 हो रहा है, 3 कहाँ गया। तो ये कोई भी कंपैरिजन आप इसमें नहीं कर सकते। तो आज के बाद आप लोगों का डाउट जो भी था ख़त्म हो गया। तो आपके इस ऑनलाइन स्टडी 2 ईयर में बहुत ही अच्छी तरह से आप लोगों को सवाल बताया गया और आप लोगों ने इस वीडियो को बहुत ही अच्छी तरह से देखा, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।